अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MCM 301 के क्विज नंबर 3 का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये MCM 301 के क्विज नंबर 3 का दूसरा सेट है। इससे पहले भी हम एक सेट का वेरीफाइड सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेट भी मैंशन है और टाइम भी मैंशन है, आप देख सकते हैं। डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिटन फॉर अ जनरल रीडरशिप। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन और इसमें जो ऑप्शन डी है, इनफॉर्मल इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिटन फॉर अ जनरल रीडरशिप, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अली हैज टू राइट अ रिसर्च पेपर, ही हैज फाइनलाइज द टॉपिक एंड कलेक्टेड द इनिशियल डेटा, नाउ ही इज गोइंग टू राइट द फर्स्ट पैराग्राफ, विच स्टेज ऑफ इफेक्टिंग राइटिंग इट डिपिक्ट्स। ये सेट 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें जो ऑप्शन सी है ड्राफ्टिंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इज बायस फ्री। इसमें जो ऑप्शन बी है, प्लीज शेयर दिस रिपोर्ट विद योर सुपरवाइजर, ही विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन भी पहले सेट में रिपीट हुआ था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, थिएटर स्टेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिजल्ट फ्राम इनकम्प्लीट मैसेज। इसमें जो ऑप्शन डी है, गेनिंग गुड नेम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी पहले सेट पर रिपीट हुआ था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। ऑल द फॉलोइंग स्टेप्स आर फाउंड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ बिजनेस राइटिंग एक्सेप्ट प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। ऑल द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट राइटिंग एक्सेप्ट ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। MCM 301 के क्विज नंबर 3 का वेरीफाइड सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा सेट है। इससे पहले भी हम एक सेट का वेरीफाइड सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाइल डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स वन शुड रिव्यू द आउटलाइन कीपिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन माइंड एक्सेप्ट ऑप्शन बी, आर रिलेटेड टॉपिक्स प्रॉपरली शफल्ड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। When considering objects or models as visual aids, the presenter should consider which of the following points. Option C, audience members can easily learn as much from other visual aids. This is the correct option. Move karte hain question number 10 ki janab. MCM 301 ke quiz number 3 ka dusra set hai aur uska aakhri question hai. इस क्वेश्चन में जो आंसर है उसको गलती से मार्क किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। विजुअल एड्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शन ए बी सी ये सारे करेक्ट हैं, तो इस वजह से ऑप्शन डी को हमने कह दिया है कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।